विचारक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े अपनी समवयक अभियान यात्रा के तहत मंगलवार को शहर पहुंचे। यहां उन्होंने गोरीधाम में पत्रकारों से मुलाकात की। यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि बेरोजगारी के लिए केवल सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मौजूदा अफसरों के माध्यम से युक्तियुक्तकरण कर रोजगार के अवसर जरूर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार यदि शासकीय और निजी सेक्टर में वेतन असमानता दूर करती है तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो सकती है, क्योंकि शासकीय वेतन में मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में बेहद कम वेतन है। इसके अलावा शासकीय नौकरी 2024 में एक साथ 5,30,000 युवाओं को मिल सकती है, बेशर्ते सेवानिवृत्ति उम्र 58 साल हो, क्योंकि सरकार बार बार सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ा रही है, जिससे शासकीय पद खाली नहीं हो रहे हैं। जो खाली हो रहे हैं वे आउटसोर्स से भरे जा रहे हैं, जो कोई स्थायी पद नहीं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवाओं को इस नीति के खिलाफ एकजुट होकर दमदारी से सरकार के सामने पक्ष रखना होगा। इसी के लिए ये यात्रा भी निकाली जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराए, न कि धरना रैली प्रदर्शन के जरिए। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर, रवि नाइक, जितेंद्र भावसार, राजेश मंडलोई आदि मौजूद थे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दरअसल मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अवसाद की स्थिति में देखा और मैंने जब उनका सामना किया तो मुझे लगा कि इनको तरह तरह की समझाइश देने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हम क्या इनको समझाइश दे सकते हैं। वो कवि नीरज ने कहा है, भूखे पेट को सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो वो तो परेशान है, मजबूर है, उनको हम क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे। समझाने से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था देने से काम चलेगा। इसलिए मैंने उस व्यवस्था के लिए जिसके तहत वो इतने आज बुरे हाल में फंसे हैं, उसका मैंने अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन किया। 5 मुद्दे मेरे सामने में आए कि जिसके कारण ये बेरोजगारी बहुत ज्यादा विकट स्थिति में पहुंच चुकी है, और उन मुद्दों पर मैंने देखा कि इस पे समाधान क्या किया जा सकता है, अवसर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। अवसर बढ़ाना भी बड़ी बात हास्यास्पद तो हो सकती है, लेकिन जो मौजूद अवसर हैं उसके युक्तियुक्तिकरण के प्रयास बड़े अच्छे मन से किए जा सकते हैं। तो मैंने उपलब्ध अवसरों के युक्तियुक्तिकरण के लिए अभियान चलाया है। कहां से यात्रा शुरू, कहां समापन होगा? हमारी यह यात्रा बरेली से शुरू हुई, रायसेन जिले के बरेली से 1 नवंबर से, कांग्रेस का स्थापना दिवस था उस दिन, और इस संकल्प के साथ हुई कि हम प्रदेश में नव क्रांति लाकर रहेंगे। समापन कब होगा? समापन इसको हम कहना नहीं चाहते अभी, क्योंकि समापन तो हम 1 जनवरी 2024 को करेंगे, लेकिन अभी हमारी यात्रा का पहला राउंड जो है 15 दिसंबर 2024 को भोपाल के बैरसिया में होगा पूरा। आपने कहा था कि उद्योगपतियों की बहुत बड़ी समस्या बीआर अंबेडकर है। चूंकि बीआर अंबेडकर जी ने अंग्रेजों के टाइम की व्यवस्था जो थी कि कभी भी फैक्ट्री के गेट तक आए और उसको नौकरी में नहीं है वो निकाल दो, तो उन्होंने श्रम कानूनों में ऐसी व्यवस्था दे दी ताकि कोई भी कभी भी नौकरी से ना निकाला जा सके किसी को, और उनके जीवन में स्थायित्व बना रहे। दूसरी बड़ी बात क्या है कि बी आर अम्बेडकर को लगा कि ये जो 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी होती है इसमें श्रमिकों का भारी शोषण हो रहा है, उनकी व्यक्तिगत लाइफ बहुत अधिक प्रभावित हो रही है, इसलिए उन्होंने वो शिफ्ट ड्यूटी को 8 घंटे कर दिया था। मतलब अंग्रेजों के टाइम की शोषणकारी नीतियों को परिवर्तित करके शिक्षित वर्ग या कर्मचारी वर्ग या श्रमिक वर्ग के हित में उन्होंने बना दिया था। तो अभी वर्तमान सरकार को लगा कि अंग्रेज बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी नीति चलाते थे, उद्योगपति सही कह रहे हैं, उद्योगपति जिन अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं वो सचमुच तारीफ करने लायक थे, और यदि हम उन्हीं का अनुसरण कर लेंगे तो हमारी तारीफ भी अंग्रेजों के समान होने लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।